सो गाइस फाइनली सैमसंग गैलेक्सी M53 5G के जो लीक्स हैं वो कंफर्म हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं लीक्स के रिगार्डिंग कि क्या आपके ये स्मार्टफोन ये अच्छा रहेगा या फिर आप किसी और स्मार्टफोन के लिए जा सकते हैं। वीडियो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्मार्टफोन के डिजाइन की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें सिमिलर जैसा सैमसंग गैलेक्सी M52 के जैसा हमें स्मार्टफोन का डिजाइन देखने को मिल जाता है। बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप और फ्रंट साइड में पंच होल स्टाइवरी डिस्प्ले हमें स्मार्टफोन की देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें इस बार 6.7 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड प्लस हमें स्मार्टफोन में डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसको स्मूथ करने के लिए 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग वाला पैनल भी देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले वाइज आपको स्मार्टफोन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आप स्मार्टफोन से गेमिंग करते हैं तो वो भी आप काफी स्मूथ लेवल वाली 120 हर्ट्ज के कारण आप स्मार्टफोन में गेमिंग भी कर सकते हैं। डिस्प्ले के बाद बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में हमें इस बार MediaTek का देखने को मिलेगा। MediaTek Dimensity 900 सीरीज हमें स्मार्टफोन की जो है प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 6nm के ऊपर बेस्ड है। अगर हम इस प्रोसेसर को कंपेयर करें स्नैपड्रैगन से तो वहां पर हमें स्नैपड्रैगन में इसके कंपैरेटिवली स्नैपड्रैगन का 778G जो हमें प्रोसेसर वो स्नैपड्रैगन में देखने को मिलेगा इसके कंपैरेटिवली, या फिर आप कह सकते हैं इतने पावरफुल आपको स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो प्रोसेसर वाइज भी आपको एक काफी अच्छा देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर आप स्मार्टफोन में गेमिंग भी करते हैं तो काफी एक स्मूथ लेवल वाली आप स्मार्टफोन में गेमिंग भी कर सकते हैं। प्रोसेसर के आगे करते हैं बात स्मार्टफोन के कैमरास की। तो वहां पर हमें इस साइड में बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका जो मेन कैमरा है वो है 108 MP का, जो कि मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन की सबसे हाईलाइटेड चीज भी बन जाती है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 MP का माइक्रो, 2 MP का यहाँ पर हमें डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें 32 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो इन शॉर्ट अगर आप स्मार्टफोन से व्लॉगिंग भी करना चाहते हैं, डेली लाइफ फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो वो भी आप स्मार्टफोन से काफी अच्छी कर सकते हैं ड्यू टू 108 MP कैमरा के साथ। कैमरास के बाद बात करते हैं मैं स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ की। तो वहां पर हमें 5000mAh की लार्ज बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, जिसको कि जल्दी से चार्ज करने के लिए हमें 25W का आउटपुट वाला फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट भी देखने को मिल जाती है। क्योंकि जनरली आजकल सैमसंग अपने हर स्मार्टफोन में 25W की चार्जिंग स्पोर्ट भी दे रहा है, तो इन शॉर्ट स्मार्टफोन में भी आपको 25W की चार्जिंग स्पोर्ट ही देखने को मिलेगी। तो ये थे कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि हमने आपको सैमसंग गैलेक्सी M53 की 5G कंफर्म लीक्स बताई है। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइसिंग की और स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो 25,000 से 30,000 के अंडर आपको स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो देखने को मिलेगा। अप्रैल की स्टार्टिंग में आपको स्मार्टफोन का जो लॉन्च डेट है वो देखने को मिल सकती है। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग में कन्फर्म लिख आएगी तो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर से बताऊंगा। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी करना ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय।